रशीद हैं लंगेट के विधायक, उनका बहुत ही एक आपत्तिजनक टिप्पणी आई है महाराजा साहब के खिलाफ। जो महाराजा जिन्होंने स्टेट में सबसे बड़े रिफॉर्म चलाए और जिन्होंने कश्मीर को एक सेकुलरिज्म के हिसाब से हिंदू राज होते हुए बिल्कुल सेफ रखा, एक इंजीनियर रशीद जो 10,000 वोटों से MLA बने हैं, वो XML हैं इस टाइम, वो महाराजा के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। हम स्पीकर साहब से आग्रह करते हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी स्पीकर हैं, उनकी पावर है, कम से कम 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इनको इंजीनियर रशीद को। ऐसे लोगों को जो स्टेट का सेकुलरिज्म ब्रेक करें और स्टेट के हालात ख़राब करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, गवर्नर साहब को इसमें कॉन्जिनेंस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रेस क्लब में बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और ये इनका प्रोटेस्ट हमेशा एक सेकुलरिज्म को ब्रेक करना, स्टेट के हालात को ख़राब करना। इनका आप कोई भी लाइव देखिए, इनका कभी स्टेट के सेकुलरिज्म को जोड़ने का लाइव आता ही नहीं है। इनका जो भी लाइव आएगा, ये हमेशा स्टेट के खिलाफ सेकुलरिज्म को ब्रेक, हिंदू मुस्लिम इन इशू पर हमेशा स्टेट है। अगर इन्होंने 20 तारीख को सिन्नर से इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो 1931 में जो कश्मीरी कहते हैं जो शहीद हुए थे, जो रेपिस्ट, जो लुटेरे, जो जेलों से आए कातिल, उनके लिए विक्रमादित्य जी ने टिप्पणी की, बिल्कुल सही की, पूरे कश्मीरी पंडितों की दुकानें तोड़ी गई उस 1931 में। 100 साल के डोगरा इतिहास में पहली बार गोली चली और इन्होंने शहीद का दर्जा दिया गया। उस महाराजा के शासन काल के बाद कश्मीरियों की हुकूमत रही, आज 74 साल हो रहे हैं। 74 साल में इन्होंने बहुत कम किए होंगे, 6,000 गोलियों से लोग मरे हैं। इनको रोज शहीदी दिवस मनाना चाहिए। उमदुल्ला की सरकार में 6 महीने लगातार सिन्नर बंद रहा और रोज फायरिंग में लोग मरते रहे, उसको क्यों नहीं शहीदी दिवस मनाते हैं? देखिए, जब हालात खराब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखने के लिए, हालात खराब करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। हरियाणा में अभी पिछले दिनों जो राम रहीम के समर्थन में लोग आए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना पड़ा और लोग मारे गए। गवर्नमेंट क्या करे, दुकानें लूटने दे, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलने दे? 1931 में महाराजा साहब ने वही किया जो कानून के तहत बनता था। इन लोगों की जो एक कश्मीरी हुक्मरानों की सरकार थोपी गई, उन्होंने 1931 के लोगों को शहीद का दर्जा दिया। वो शहीद नहीं थे, वो जम्मू कश्मीर का काला दिवस था। 1900 महाराजा के 100 साल के महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह साहब तक शासन 100 साल के 110 साल में सिर्फ एक बार गोली चली, फिर ये क्यों ना इन लोगों को रोज शहीद का दर्जा देते हैं जो कश्मीर में लोग मर रहे हैं? हम गवर्नर साहब से, हम सिर्फ राजपूत सभा ही नहीं, पूरा डोगरी जो डोगरी कम्युनिटी है हमारी, ये इस बयान के सख्त खिलाफ है। वो राजा जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े रोड बनाए, काले बनाए, पूरी कम्युनिटी को एक आंख से देखकर उनकी तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए, आज ऐसे लोग जो श्रीनगर में बैठ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंजीनियर रशीद ऐसे बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, जो पूरी कंपनी डोगरा के खिलाफ दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरा कोई भी MLA क्या, कोई भी इंसान किसी के खिलाफ भी ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल ना करे। इन्होंने जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने ये ध्यान में रखा कि ये वो राजा हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस स्टेट के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े रोड बनाए, ये अपने इतने बड़े बड़े स्कूल बनाए, उन्होंने सारे लोगों को एक करके एक निगाह से देखा। लेकिन आज वही ये लोग उनके खिलाफ इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, इनके साथ इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बाकी लोग भी ये हिम्मत ना करें कि उनके कोई भी किसी के खिलाफ ऐसा गलत शब्द बोले। XMLA इंजीनियर रशीद लंगेट कंस्टिट्यूंसी के, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ अपशब्द यूज किए और पूरी डोगरा कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सहने योग्य नहीं है, इसलिए हमारी डोगरा कम्युनिटी और अमर क्षत्रिय राजपूत सभा उसके विरोध में ये आज रियासी थाना में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की इच्छा थे।